हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं बेसन शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च की बहुत सारे रेसिपी आपने खाए होंगे। एक बार मेरे तरीके से बनी हुई इस बेसन शिमला मिर्च की रेसिपी को बना के देखिए। घर के हर एक मेंबर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट रेसिपी देख लेते हैं। चार पीस शिमला मिर्च को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट के लिए हैं। छोटे साइज के कटोरी भर के लिए है एक कटोरी बेसन, डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। स्लो फ्लेम में कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को भूनते जाएंगे। बेसन में से बढ़िया खुशबू आ रहे हैं, इसका मतलब बेसन जो है बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब गैस बंद करके बेसन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून के जितना सरसों के तेल, 3 से 4 पिंच के जितना डाल देंगे हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई। जीरा और राई को चटकने देंगे। डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को तब तक भुनेंगे जब तक शिमला मिर्च का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। शिमला मिर्च का कलर देखिए हल्का चेंज हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मसाले के साथ शिमला मिर्च को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भुनेंगे। शिमला मिर्च को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब ऐड कर देंगे भुने हुए बेसन। बेसन के साथ शिमला मिर्च को मिक्स करते हुए भुनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस टाइम गैस के फ्लेम को एकदम स्लो ही रखना है, वरना बेसन और मसाले जो है वो जलने लगेंगे। बेसन और शिमला मिर्च को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लिए हैं, 2 चम्मच पानी ऐसे छिटकते हुए डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वरना बेसन जो है वो पूरा चिपचिपी हो जाएंगे और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। स्लो फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनने के बाद फिर से 2 चम्मच पानी ऐसे छिटकते हुए डाल देंगे। फिर से 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। इससे बेसन जो है वो फूलते जाएंगे और कैप्सिकम के साथ कोट होता जाएगा। फिर से छिटकते हुए 2 चम्मच पानी डालेंगे। देखिए बेसन जो है कितने अच्छे से फूल गए हैं और कैप्सिकम के साथ कोट होते जा रहे हैं। टोटल मैंने 6 चम्मच पानी डाले हैं सब्जी के अंदर। फिर से भूनते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अब ढक के स्लो फ्लेम में छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटाएंगे। बेसन और कैप्सिकम जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के आमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून भर के डालेंगे दरदरा सा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर। आमचूर पाउडर और सौंफ के पाउडर, इन दोनों मसाले को स्किप मत करिएगा। इन मसाले से सब्जी का जो टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाते हैं। फिर से ढक के स्लो फ्लेम में छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। ढक्कन हटाएंगे, सब्जी एकदम रेडी है। गैस बंद करके सब्जी को सर्व कर लेते हैं। एक बार इस बेसन शिमला मिर्च के सब्जी को घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके सब्जी कैसे बने हैं। खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।